जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय सनातन। मैं सभी सनातन धर्मियों का अपने दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं मीन लगन, मीन राशि वालों के लिए राहु का गोचर क्या प्रभाव लाने वाला है। आओ हम जानें। मेरे प्यारे दर्शकों, 12 अप्रैल 2022 से राहु राशि परिवर्तन कर रहा है। वृषभ राशि से मेष राशि में चला जाएगा, गोचर करेगा। राहु वृश्चिक राशि से तुला राशि में गोचर करेगा। राहु केतु हमेशा बकरी ही चलते हैं, उल्टी चाल चलते हैं। वृश्चिक से मेष में राहु और वृश्चिक से तुला में केतु का गोचर। मीन राशि या मीन लगन वालों के लिए जे का के द्वितीय भाव में रहेगा, केतु आपके अष्टम भाव में रहेगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसका रिजल्ट किन को किन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। 80% रिजल्ट जिन जातकों पर राहु और केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, इसका प्रभाव 80% मिलेगा। जिन जातकों के बर्थ चार्ट में राहु त्रिक स्थानों में है, थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, टेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस में, उनमें भी राहु केतु के अच्छे प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये सभी हमें जानना है। राहु द्वितीय भाव में क्या प्रभाव देने वाला है, जो मेरे प्रिय दर्शक ज्योतिष सीखना चाहते हैं, उन्हें ज्योतिष के प्राइमरी बेसिक सीखना बहुत ही जरूरी है। द्वितीय भाव क्या इंडिकेट करता है? द्वितीय भाव मुख्यतः हमारा संचित धन, संचित प्रॉपर्टी, एक्युमुलेटेड मनी, स्पीच, हमारा ईटिंग स्टाइल्स, फैमिली, कुटुंब, मुख्यतः सेकेंड हाउस इसको इंडिकेट करता है। जबकि राहु एक छाया ग्रह है, ये ड्रैगन का हेड है, इसका सिर्फ ब्रेन है, ये मोह है, भ्रम है, माया है, ये जिंदगी में शॉर्टकट तरीका को अपनाने वाला है। जिन जातकों का या मेन लगन वाले जातकों का द्वितीय घर में राहु आने के लिए, इनकी पास वाणी बहुत उग्र हो जाएगी, इनकी वाणी बहुत ओजस्वी हो जाएगी, ये अपनी स्पीच पर बिल्कुल इनका एकदम कंट्रोल रहेगा। तो ये जातक अपने कम्युनिकेशन के दम पर कोई एक्सीडेंटल मिनिस्टर बन सकते हैं, जहां कोई भी गेन ले सकते हैं, इनको अपने कम्युनिकेशन के द्वारा या स्पीच के द्वारा फायदा हो। इनमें रात से ठाट पाट आएगी, इनका जो खान पीन, रहन सहन, खाने का ढंग भी अच्छे तरीके से अच्छा खान पीन होगा। पैसे के इकट्ठे करने के चक्कर में ये कुछ शॉर्टकट भी अपना सकते हैं। पैसे, इनका दिमाग हमेशा पैसे इकट्ठे करने कैसे करने हैं इसकी ओर लगा रहेगा, इनको कुछ कामयाबी भी मिलेगी। मैं उन सभी से अपील करता हूं, कोई भी अनैतिक काम ना करें, कोई भी स्पेकुलेशन, सट्टा बाजारी, कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे इनके फेम नेम में धक्का। राहु के 3 दृष्टियां हैं, 5, 7 और 9। राहु अपनी पंचम दृष्टि से छठे घर को देख रहा है। छठा घर में राहु शत्रुहंता योग बनाता है, ऐसे में ऐसा जातक कंपटीशन में कामयाब होगा, अपने
जितने उनके कंपटीटर हैं उनसे आगे बढ़ेगा। जो लोग आईटी सेक्टर्स में हैं, जो लोग बिजनेस में हैं, उनको मैं कामयाबी के अच्छे अवसर देख रहा हूँ। लेकिन मेहनत के बिना कुछ नहीं होता, मेहनत करें और अपने अवसर का फायदा। राहु की सातवीं दृष्टि अष्टम घर में पड़ रही है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, परिवर्तन सडन चेंज का घर है, इनलाज का घर है, ये अचानक होने वाले इनहेरिटेंस का घर है, ये आपको गुड रहस्य का घर है, ये रिसर्च का घर है, ये अध्यात्म का घर है। ऐसे जातकों की गुड रहस्य आध्यात्मिकता की ओर रुचि बढ़ सकती है। जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, फार्मिस्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको इस पीरियड में जो मीन लगन वाली है उनको कामयाबी मिलती दिखाई पड़ रही है। इनके जातकों का रुझान अध्यात्म की ओर बढ़ेगा। ऐसे जातकों को कोई गुप्त खजाना भी मिल सकता है, कोई इनहेरिटेंस भी मिल सकता है, बस इनको इसके लिए रहना है। राहु के नवम दृष्टि दसम घर में पड़ रही है, जो कि हमारा कर्म स्थान है। ये फिर मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ, जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, उन्हें कोई एक्सीडेंटल मिनिस्टर बन सकते हैं, उनके काम में उनको तरक्की मिलेगी, प्रमोशन होने के पूरे पूरे योग है। आपका एक नाम होगा जहाँ पर आप काम करते हैं, इनके लिए बहुत अच्छा योग है। बस आप लग जाए, मेहनत करें, ट्राई करें, आपका ये पीरियड 1.5 साल का आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बेकार में कुछ नहीं मिलता, बेकार बैठे रहने से कुछ नहीं करता, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करें, मेहनत से आपका रिजल्ट 100% मिलेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और मैं अंत में अभी सभी सनातन प्रेमियों से अपील करता हूँ, कृपया मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम सनातन धर्म का प्रसार सारी दुनिया में कर सके। हम विश्व गुरु बने, यही पैगाम हमारा। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।